दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोदी केयर प्रीमियम प्रोटेक्शन मास्क के बारे में और ये वीडियो होने वाला है इन लिमिटेड एडिशन मास्क के बारे में जो अभी रिसेंटली मोदी केयर ने लॉन्च किए हैं। लेकिन दोस्तों बाजार में ऐसे कई मास्क मिलते हैं तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मास्क अच्छा है और कौन सा मास्क खराब है, सिर्फ देख करके या डिजाइन से ये डिसाइड नहीं हो जाता है। और इसीलिए आज के वीडियो का मकसद है जहां पर हम आपको आसान भाषा में और कम समय लेकर के ये समझाएंगे कि ये मास्क अच्छा क्यों है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई भी मास्क अच्छा क्यों है। तो दोस्तों कोई भी मास्क अच्छा क्यों है उसके लिए आपको उसके अंदर कम से कम 3 पॉइंट्स जरूर देखने चाहिए। सबसे पहला कि क्या वो मास्क कंफर्टेबल है, उसे लंबे समय तक पहनने में कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। दूसरा, क्या उस मास्क को पहनने के बाद में आप प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहे हैं, क्या आप प्रॉपरली सांस ले पा रहे हैं। और तीसरा, क्या वो मास्क आपको प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे रहा है वायरस, बैक्टीरिया, ड्रॉपलेट्स और दूसरे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें मोदी केयर प्रीमियम प्रोटेक्शन मास्क के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि ये काफ़ी कंफर्टेबल मास्क है और उसका रीज़न है इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन। आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो मास्क है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके बीच में ये पॉइंटेड सा है और इसकी वजह से ये आगे की ओर निकलता है, जिसकी वजह से आपके नोज़ एरिया में आपको स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से ये मास्क को कंफर्टेबल बनाता है। अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों तो बाज़ार में कुछ ऐसे मास्क मिलते हैं जो इस तरह के फैब्रिक से बने होते हैं जिसमें आप सांस सही तरह से नहीं ले पाते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मास्क में 1 नैनोमीटर से कम का फिल्टर है तो वो मास्क आपको ब्रीदिंग में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी ब्रीथिंग के लिए, उनका प्रॉपरली उस मास्क के अंदर जाना जरूरी है। तो एक अच्छे मास्क में 1 नैनोमीटर से ज्यादा का ही फिल्टर होना चाहिए। और अब अगर आखिरी में तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो मास्क आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका ये पैरामीटर आप मोटे मोटे तौर पर मान सकते हैं। एक ड्रॉपलेट जिसके अंदर वो वायरस, बैक्टीरिया, आपको प्रॉब्लम देने वाले कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसका साइज होता है 20 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर और आपका जो मास्क होना चाहिए इसके कंपेरिजन में काफ़ी कम साइज का फिल्टर होना चाहिए। और अगर बात करें इन मोदी केयर प्रीमियम प्रोटेक्शन मास्क की तो इसका साइज अगर हम मान ले तो इसका साइज है मोटे मोटे तौर पर 4 माइक्रोमीटर्स। इसका मतलब ये इस पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी सेफ है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात करें तो ये मास्क आपको 5 लेयर मास्क का प्रोटेक्शन देता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन क्वालिटी को और कॉम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों इस वीडियो का यही मकसद था कि एक मोटे मोटे तौर पर हम आपको बताना चाहते थे कि एक मास्क को चूज करते समय कुछ ऐसा बेसिक नॉलेज हमें ज़रूर होना चाहिए। और दोस्तों अच्छी बात ये भी है कि ये मास्क दावा करते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी में टेस्ट भी किया जा चुका है कि ये आपको प्रॉपर सेफ्टी देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने अपनों की फुल प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उनसे ये अवेयरनेस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एक अच्छे मास्क के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी पता चल सके।